अब इस वैलिडेट सिग्नेचर कर दीजिए। फाइनली गाइस ये भी हो चुका है, इसको क्लोज कर देना है, ये आप लोग देख सकते हो। एक जीरो को इरेज कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर वन लिख देना है, बस आपका काम हो गया। अभी सबमिट कर देना है, इतना तक तो गाइस बहुत सारा को पता है। सबमिट कर देने के बाद में यहाँ पर पीडीएफ देखिए गाइस अभी शो होगा। अभी ये पीडीएफ पर क्लिक कर देने के बाद अभी गाइस देखिए ये सिग्नेचर वैलिडेट नहीं हो रहा है। अभी बहुत सारा लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एमबीसी यूट्यूब चैनल। तो देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों को ई डिस्ट्रिक्ट एंट्रेंस से रिलेटेड और मिशन वसुंधरा 3 से रिलेटेड जितना भी गाइस कमेंट आ रहा है उससे मैं लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ। और उसके बाद में आप लोगों को गाइस आज एक चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन के थ्रू से, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। देखिए गाइस, ये जो सिग्नेचर है यहाँ पर सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड बोल के दिखा रहा है। अगर आपका सर्टिफिकेट पर, मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट अगर कास्ट सर्टिफिकेट है या तो STSC MOBC जो भी है आपके पास में, डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट और डिजिटल GCC और उसके साथ डिजिटल PRC, उसके बाद में डिजिटल डेथ सर्टिफिकेट, बहुत सारा ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि आप लोग 2023 या तो 22 में अगर किया हुआ है और वो अगर आप लोग डाउनलोड करने के लिए जाओगे तो गाइस डाउनलोड का प्रोसेस तो गाइस अभी तक बहुत सारा लोगों को पता चल गया किस तरीके से करते हैं। और अगर आपको पता नहीं है तो गाइस उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप लोग चेकआउट करिए। इजीली आप लोग डाउनलोड कर सकते हो 2022 का या तो 23 का, अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो गाइस आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। और ये सिग्नेचर वेरीफाइड कैसे करते हैं वो भी मैंने वीडियो बनाया है एडोब एक्रोबैट से। बट गाइस एडोब एक्रोबैट में 2023 या तो 2022 का अगर डाउनलोड करते हो तो गाइस वहां पर क्या होगा, आपका सिग्नेचर वेरीफाइड बोल के नहीं आएगा, वहां पर सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड बोल के दिखाएगा, मतलब शो होगा। तो उसका मतलब एक्चुअल प्रोसेस क्या है बहुत सारा को ये पता नहीं है। और अगर आपका भी वैसा हो रहा है तो गाइस आप लोगों को आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट दिखाने वाला हूं। और मिशन वसुंधरा से क्वेश्चन था बहुत सारा का, सेटलमेंट ऑफ हस एंड सिलिंग सरप्लस लैंड, मतलब पट्टा के लिए, मियादी पट्टा के लिए कब से न्यू मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। 20 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और ये 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है। और अभी तक सेटलमेंट ऑफ खास एंड सिलिंग सरप्लस लैंड मिशन वसुंधरा 3.0 के अंदर में अप्लाई का ऑप्शन नहीं आया है, बट सेवा सेतु में अगर आप लोग देखोगे तो गाइस वहां पर अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो गाइस आपको कंफर्म करना है पहले मिशन वसुंधरा 3.0 के अंदर में जाके सेटलमेंट ऑफ खास एंड सिलिंग सरप्लस लैंड का अप्लाई का बटन आया है कि नहीं, वहां से आपको पता चलता है। अगर वहां पर आया है तभी गाइस आप लोग सेवा सेतु पोर्टल पर जाइए और वहां पर जाके आप लोग प्रोसीड करके इजीली अपना काम कर सकते हो। मतलब अगर आपका लैंड पट्टा हुआ नहीं है, मतलब गवर्नमेंट दिखा रहा है, सरकारी दिखा रहा है, तो गाइस आपको उसको फिर से आपको करना पड़ेगा सेटलमेंट ऑफ खास एंड सिलिंग सरप्लस लैंड ऑप्शन चूज करके पट्टा के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हो, मतलब वहां पर जाना पड़ेगा तभी गाइस ये आप लोग कर पाओगे। और ये CSC PFC ऑफिशियल, उसके बाद में सिटीजन, अगर किसी के पास में CSC है वो भी कर सकेगा, अगर CSC नहीं है तो वो लोग भी खुद अपना लैंड का काम खुद कर सकते हैं। तो गाइस उसका प्रोसेस मैंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। अगर आपको नया पट्टा अप्लाई कैसे करना है वो भी पता नहीं है तो गाइस उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाइए और आप लोग इजीली कर सकते हो। और बहुत सारा का और भी क्वेश्चन था, पेमेंट नहीं हो रहा है, ई खजाना का पेमेंट नहीं हो रहा है, तो गाइस इसका भी मैंने वीडियो बनाया है किस तरीके से एक्चुअल में करना पड़ेगा। एक्चुअली मतलब KYC जो है, पैन कार्ड और आधार कार्ड, तो वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। आपका पहले मिशन वसुंधरा 2.0 में अप्रूव पट्टा में कौन सा वाला KYC हुआ था तभी गाइस आप लोग कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। बहुत सारा कोई पता नहीं है, पैन कार्ड और आधार कार्ड और वही नंबर होना पड़ेगा, मोबाइल नंबर। अगर किसी एक सेंटर में आपने किया है, मान लीजिए CSC सेंटर में आपने किया है, और अगर आप लोग खुद करना चाहते हो और अगर आप लोग बार बार ट्राई करते हो तो गाइस फिर से CSC सेंटर पर जाने के बाद में वहां पर शो होगा, CSC सेंटर पर शो होगा वो,
अनऑथोराइज एक्सेस, दूसरा लोगों ने ज्यादा इसको एक्सेस करने के लिए ट्राई कर रहा है, इस तरीके से शो होगा और बाद में इधर भी नहीं होगा उधर नहीं होगा। तो ये सारा कुछ है गाइस, तो वो आपको ध्यान में रखना है और आपने जहां से किया है वहीं से आपको करना है। और मैं रिकमेंड करूंगा सीएससी सेंटर पर ही जाइए, वहां पर गाइस एक्सपीरियंस होल्डर लोग होते हैं और एक्सपीरियंस होल्डर लोग के पास में जाके अगर आप लोग करोगे तो गाइस वो ज्यादा बेटर होगा। तो देखिए गाइस, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये जो ई डिस्ट्रिक्ट एमट्रॉन पोर्टल का जितना भी सर्टिफिकेट है, अगर 2023 में हुआ है और 2022 में हुआ है तो गाइस वो सर्टिफिकेट डाउनलोड किस तरीके से करते हैं, उसके बाद में डाउनलोड तो बहुत सारे लोग कर पाते हैं बट उसको वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, तो गाइस इनवैलिड दिखा रहा है मतलब सिग्नेचर बहुत सारा का ऐसा कमेंट आ रहा है। तो बने रहिए वीडियो पर, मैं आप लोगों को कंप्लीट स्क्रीन पर दिखाऊंगा। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्क्रीन पर बने रहिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करिए, कोई सा भी एक साइट पर जाइए, उसके बाद में आप लोग यहाँ पर लिखिए, पहले आप लोग लिख दीजिए ई डिस्ट्रिक्ट, ई डिस्ट्रिक्ट लिख के सर्च कर देना है, ई डिस्ट्रिक्ट एमट्रॉन लिख के सर्च कर देना है। वो चीज आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए, एमट्रॉन ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट डॉट एमट्रॉन डॉट इन, ये दोनों का ही लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब पुराना सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए ये है और उसका मतलब कोड निकालने के लिए ये है, और सर्टिफिकेट अगर यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो गैस यहाँ पर एक कोड आपको मिलेगा अप्रूव हुआ, जो कि गैस 2022 में अगर आपने अप्लाई किया है कोई सा भी सर्टिफिकेट और अप्रूव हुआ है वो सर्टिफिकेट, तो गैस उसको डाउनलोड कर देने के बाद में एक कोड मिलेगा यहाँ पर, उसके बाद में वो कोड यहाँ पर देके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करके भी गैस वो वेरीफाई किस तरीके से करते हैं वो प्रोसेस में दिखाने वाला हूँ। बने रही वीडियो पर, सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट एमट्रॉन पोर्टल पर आप लोग क्लिक करिए, मान लीजिए मैं करके दिखा रहा हूँ एक आपको, तभी कैसे आपको बिलीव होगा। तो मेरा तो कैसे यहाँ पर सेव है, मैं इसको लॉग इन करूँगा, जिनके पास आईडी पासवर्ड है तो कैसे वही लोग यहाँ पर आके कर सकते हैं, बट जिनके पास नहीं है वो लोग यहाँ पर आके रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि कैसे यहाँ पर अभी वो चीज़ मतलब हटा दिया गया है और सीएससी वैली लोग ही कर सकते हैं ये, और जिनके पास ऑलरेडी आईडी है वो लोग कर सकते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करिए, लॉगिन पर क्लिक कर देने के बाद में गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कोई सा भी आप लोग सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो अगर आपका डाउनलोड किया हुआ है तो मान लीजिए एनसीएल है तो गाइस डाउनलोड किया हुआ है तो गाइस मतलब अप्रूव हुआ है, देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस तरीके से सर्च कर देने के बाद में तो देखिए गाइस इस तरीके से शो होगा। और ये तो गाइस 2024 में ही किया है और ये इजीली डाउनलोड हो जाता है इस तरीके से, देखिए गाइस यहाँ पर इस तरीके से डाउनलोड हो जाता है, तो ये डाउनलोड भी हो जाता है इस तरीके से। और ये सिग्नेचर वैलिडेट कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको एडोब एक्रोबैट डाउनलोड करना है, तो वो डाउनलोड कर देने के बाद में, मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप लोग वो डाउनलोड करिए, उसके बाद में देखिए ये सिग्नेचर वैलिडेट अभी कैसे होता है। अगर 2024 में ही किया हुआ है तो आपको सिंपली यहाँ पर जाइए, अभी मतलब आपका जो भी है गाइस फाइल पर जाइए, फाइल पर जाने के बाद में जहाँ पर डाउनलोड होके बैठा है वो आपको यहाँ पर देखिए ये रिसेंटली डाउनलोड यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है माउस का, उसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पर ओपन विथ कर देना है, उसके बाद में आपका यहाँ पर एडोब एक्रोबैट रीडर बोल के है, सभी के पास में इंस्टॉल होता है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो गाइस आप लोग ये इंस्टॉल करिए पहले, एडोब एक्रोबैट रीडर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद में ये अभी जो भी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट सिग्नेचर वैलिड ऑटोमेटिक होता है, देखिए कुछ भी करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक यहाँ पर सिग्नेचर रीड करता है ये। तो फाइनली अभी देखिए गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एटलीस्ट वन सिग्नेचर हैज प्रॉब्लम, तो अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर तो इसको भी कैसे ठीक करना है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले गाइस आप लोग वो कोड वाला दिखाऊंगा आप लोगों को, देखिए गाइस अभी तो ये मैं बाद में दिखाऊंगा, थोड़ा देर बाद में दिखाऊंगा, बने रहिए, ये भी दिखाऊंगा, उसके बाद में और एक आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ पहले। लाइव दिखा रहा हूँ गाइस आप लोगों को इसीलिए ताकि गाइस आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से पता चले। कास्ट सर्टिफिकेट का ही मैं दिखा देता हूं आप लोगों को,
और उसके बाद में देखिए सर्च पर क्लिक करिए, भी दिखाऊंगा यहाँ पर डेट अप्लाई जो भी हुआ है वो भी दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हो गाइस यहाँ पर अप्रूव हुआ है, और ये आप लोग देख सकते हो सब कुछ अप्रूव। यहाँ पर कितना तारीख किया है, 8/1/2023 में किया है, 8/1/2023 में किया है, 20:17:30 में। तो अभी इसको डाउनलोड करने से क्या आएगा, देखिए डाउनलोड, तो डाउनलोड कर देने के बाद में सबका इस तरीके का एक प्रॉब्लम आ रहा है, और बहुत सारा को ये पता नहीं है ये प्रॉब्लम अभी यहीं से ठीक होता है। एन एरर वाज इनकाउंटर बोल के लिखा है गाइस यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो, और उसके अंदर फाइल नॉट फाउंड, तो गाइस यहाँ पर PDF, अभी फाइल नॉट फाउंड दिखा रहा है गाइस यहाँ पर। मैं सबसे पहले ये कॉपी कर रहा हूँ, देखिए गाइस यहाँ पर है, और ये कॉपी करने से भी होगा और ये कॉपी करने से भी हो जाएगा, एक ही नंबर है। तो गाइस ये मैं कॉपी कर रहा हूँ पहले, अभी ये डाउनलोड भी किस तरीके से करना है वो भी आपको पता चलेगा, उसके बाद वैलिडेट किस तरीके से करना है वो भी आपको पता चलेगा। तो बहुत सारा कोई गाइस ये इतना तक तो पता है, बहुत सारा कोई ये करके और ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट में जाकर डाउनलोड किस तरीके से होता है वो सबको पता है, बट वैलिडेट किस तरीके से करना है वो सबको पता नहीं है, वो दिखा रहा हूँ मैं। तो ये कॉपी करना है पहले, अभी उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से ई डिस्ट्रिक्ट अभी लिख देना है गाइस, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, ये हो गया ई डिस्ट्रिक्ट एमट्रॉनी, लिख के आपको सर्च कर देना है, यहाँ पर नीचे में ही आपको शो होगा ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट भी। तो देखिए गाइस अभी इस तरीके का आपका इंटरफेस शो होगा। अभी सबसे पहले गाइस आपको ये जो कोड कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कोड ये कोड मैंने कॉपी किया था, तो अभी यहाँ पर आपको जस्ट पेस्ट कर देना है, पहले यहाँ पर पेस्ट करिए, बस ये पेस्ट कर दिया आपने। अभी गाइस यहाँ पर, यहाँ से ये जीरो गाइस यहाँ पर इस तरीके से ये जीरो तक ले लेना है, तो मैं जितना दिखा रहा हूँ गाइस यहाँ से ले लेना है इतना, तो इतना कॉपी करना है फिर से आपको, तो ये भी कॉपी करिए, और उसके बाद में यहाँ पर फिर से इधर यहाँ पर क्लिक करिए, उसके बाद में यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, बस ये पेस्ट कर दिया आपने। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक जीरो इसको मिडिल का जो भी है गाइस साइड का, तो राइट साइड का ये 3-0 है, तो एक जीरो को इरेज कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पर 1 लिख देना है, बस आपका काम हो गया। अभी सबमिट कर देना है, इतना तक तो गाइस बहुत सारा को पता है। सबमिट कर देने के बाद में यहाँ पर PDF देखिए गाइस अभी शो होगा, अभी ये PDF पर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा ये सर्टिफिकेट जो भी था गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक्नॉलेजमेंट रिसीव का नंबर डाउनलोड हो चुका है, ये है डिजिटल का सर्टिफिकेट, अभी डाउनलोड तो हो चुका है। अभी गाइस देखिए ये सिग्नेचर वैलिडेट नहीं हो रहा है, अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसको सेव करते हैं। तो गाइस देखिए अभी सेव करने से क्या होगा, सबसे पहले प्रिंटर पर जाते हैं और यहाँ पर सेव PDF पर जाके इसको सेव करते हैं, तो ये कर देने से गाइस इसका सिग्नेचर वैलिड नहीं होगा। अभी आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से सेव मत करिए इसको, इसको कैंसिल करिए। अभी गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप लोग एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, अभी तक ये डाउनलोड नहीं हुआ है, अभी इसको डाउनलोड करना पड़ेगा अपना फाइल पर कंप्यूटर के अंदर में। तो देखिए गाइस अभी यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद में ये डॉक्यूमेंट लिखा है यहीं पर छोड़ देना है आपको, और यहाँ पर आपको सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद में यहाँ पर देख सकते हो ये राइट हो चुका है, ये डाउनलोड भी हो चुका है अंदर में। अभी गाइस देखिए मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, डॉक्यूमेंट बोल के लिखा था, तो फाइनली यहाँ पर टुडे यहाँ पर डॉक्यूमेंट बोल के आ रहा है। अभी गाइस इसको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद में फिर से ओपन विथ करना है, ओपन विथ कर देने के बाद में एडोब एक्रोबैट रीडर पर क्लिक कर देना है। अभी रीडर पर क्लिक कर देने के बाद में इस तरीके से एटलीस्ट वन सिग्नेचर हैज प्रॉब्लम बोल के दिखाएगा, अभी भी नहीं होगा। अभी क्या करना है देखिए, यहाँ पर राइट क्लिक करिए और वैलिडेट सिग्नेचर नहीं, शो सिग्नेचर प्रॉपर्टीज पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद में इस तरीके का आपको इंटरफेस आएगा। अभी गाइस फिर से शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक कर देना है, इस तरीके का आपका इंटरफेस आएगा। अभी फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रस्ट पर जाना है, ट्रस्ट पर जाने के बाद में गाइस अभी आपको फिर से ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें लिखा हुआ आएगा, मैं आप लोगों को ये नहीं समझा रहा हूँ, डायरेक्टली आपको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद में फिर से इस तरीके का आपका इंटरफेस आएगा। अभी गाइस ये सर्टिफिकेट जो वेरीफाई कर रहा था गाइस, वो ऑफिसर का नेम क्या है गाइस, यहाँ पर आपको शो होगा, आप लोग देख सकते हो उनका ईमेल भी शो होगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज दिस सर्टिफिकेट एज ए ट्रस्टेड रूट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है।
उसके बाद में सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स पर आपको, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स पर आपको क्लिक कर देना है और डायनेमिक कंटेंट पर क्लिक कर देना है। आई प्रिविलेज जावास्क्रिप्ट पर भी आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में प्रिविलेज सिस्टम ऑपरेशन पर भी आप लोग को क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए हाई प्रिविलेज जावास्क्रिप्ट पर भी आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में प्रिविलेज सिस्टम ऑपरेशन नेटवर्किंग प्रिंटिंग फाइल एक्सेस एक्सेट्रा पर भी आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर ओके आएगा, ओके पर क्लिक कर देना है। अभी फिर से इसको ओके कर देना है। अभी फिर से सिग्नेचर वैलिडेट सिग्नेचर पर क्लिक कर देना है। अभी वैलिडेट सिग्नेचर पर क्लिक कर देने के बाद में साइड में आप लोग देख सकते हो ये फाइनली हो चुका है। अभी इसको क्लोज कर देना है। ये अभी प्रिंट आउट करके आप लोग इजीली रख सकते हो। ये तो हो गया। अभी दूसरा भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, जो कि गाइस ये था पहले जो मैंने दिखाया था। तो यहाँ पर फिर से राइट क्लिक करना है, फिर से ओपन विथ करना है, एडोब एक्रोबैट रीडर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में फिर से अभी गाइस ये आधार कार्ड का भी वही है, और जो भी सर्टिफिकेट अगर नहीं हुआ है तो गाइस यही है प्रोसेस, सब लोग खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैलिडेट सिग्नेचर पर फिर से क्लिक करिए, शो सिग्नेचर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करिए, शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट पर क्लिक करिए, ट्रस्टेड पर जाइए और ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट ओके कर दीजिए। और यहाँ पर फिर से क्लिक करिए, यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर क्लिक करिए, ओके कर दीजिए, इसको फिर से ओके कर दीजिए। अब इस वैलिडेट सिग्नेचर कर दीजिए। फाइनली गाइस ये भी हो चुका है, इसको क्लोज कर देना, ये आप लोग देख सकते हो। तो चलिए आज का मेरा वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और बहुत सारा लोग वैली को भी हेल्प होगा, सीएससी होल्डर लोग को भी हेल्प होगा, उसके बाद में बहुत सारा जो लोग सिटीजन खुद घर बैठे करते हैं उन सारा लोगों को भी हेल्प सकता है। तो सब्सक्राइब और एक शेयर करके रख दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।